जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर बनाने के लिए वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन किया जाता है। वास्तु में कई ऐसी चीजें बताई गई हैं जिससे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है। इससे उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे। इसके लिए नए साल पर कुछ बातों को ध्यान रखकर साल भर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाया जा सकता है। जैसे पर्स में कभी कटे फटे नोट नहीं रखने चाहिए, साथ ही बेकार कागज या ब्लेड आदि भी ना रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में धन का अभाव रहने लगता है। कहते हैं कि पर्स में कभी भी मृत व्यक्ति की फोटो नहीं रखनी चाहिए, चाहे वे आपको कितना भी प्रिय क्यों ना हो। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। वास्तु के अनुसार पर्स में माँ लक्ष्मी की बैठी हुई फोटो रखने से भी लाभ होता है। इस उपाय को करने से व्यक्ति को कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होती और हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बता दें कि बैठी हुई लक्ष्मी जी की फोटो पर्स में रखने से धन की देवी स्थायी रूप से निवास करती है और कहीं नहीं जाती। वास्तु के नियम के अनुसार लाल रंग के एक कागज पर अपनी मनोकामना लिखें और उसे रेशमी धागे से बांध लें। इसके बाद माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इसे अपने पर्स में रख लें। इससे साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। अगर घर में बरकत नहीं होती या फिर बेफिजूल के खर्चों ने जेब खाली कर दी है तो पर्स में चावल के कुछ दाने रख लें। इससे अनचाहे खर्चों से राहत मिलेगी। चावल को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना गया है। इससे घर में धन संपदा में बढ़ोतरी होती है। नए साल पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वास्तु में कुछ चीजें बताई गई हैं जिन्हें पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी मेहरबान होती है। नए साल पर पर्स में एक नया सोने या चांदी का सिक्का रख लें। इस सिक्के को पहले माँ लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवा लें और फिर इसे अपने पर्स में रख लें। इससे धन की देवी प्रसन्न हो जाएंगी और व्यक्ति की तरक्की के सभी रास्ते खुलेंगे।